प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। मेरी प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने ताकि प्रभु अपने वचनों के अनुसार आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो पढ़ते हैं, आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 2, गलील के काना नगर में पहला आश्चर्य कर्म। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुम से कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी में भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ वह कुछ दिन रहे। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष लेके आए। प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स किए, चमत्कार किए, अंधों को आँखें दी और लंगड़ों को चला दिया और कोढ़ियों को शुद्ध किया। ऐसे ऐसे मिरेकल्स प्रभु ने बहुत सारे मिरेकल्स चमत्कार किए और जो आज भी करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष लेके आए और आप प्रभु के वचन में हमेशा बने रहे ताकि प्रभु अपने वचनों के अनुसार आपके साथ हमेशा रहे और आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलते रहे ताकि प्रभु आपको अकेला ना छोड़े, आप प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए। यही मैं आपसे विनती करती हूँ। तो मिलते हैं अगले बाइबल रीड में, तब तक के लिए जय मसीह।